इसराइल ने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की कसम खाई है, तो दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी इजरायली शहरों को जमकर निशाना बना रहे हैं। अब हिजबुल्ला ने इजरायली सेना को लगातार बेघर फिलिस्तीनियों के निशाना बनाने और पूर्व हमास नेता समर अल हज की हत्या के बाद आज करारा जवाब दिया है। ताजा हमले में हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में स्थित एक इजरायली बेस पर दर्जनों ड्रोन से एक के बाद एक कई हमले किए। इस हमले में इसराइल की तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्ला ने एक बयान में कहा है कि शनिवार को इस्लामिक रेजिस्टेंस सेनानियों ने मिचवे अल्लोन बेस पर आत्मघाती ड्रोनों के झुंड के साथ हवाई हमला किया। ये हमला इसराइल के सफेद शहर में हुआ है। जिस इजरायली बेस पर हमला हुआ है वहां से कुछ ही दूरी पर इसराइल के उत्तरी कोर की सुरक्षा कर रहे सैनिकों का जमावड़ा है और वहां आपातकालीन गोदाम भी मौजूद है। हिजबुल्ला ने कहा कि यह हमला शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान के शहर सिडोन में हमास के एक अधिकारी की हत्या का जवाब था। एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को लेबनान के सिडोन शहर में एक इजरायली ड्रोन हमले में हमास के अधिकारी समर अल हज की मौत हो गई थी। इसी बीच इजरायली ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्र में 6 गांवों और कस्बों पर 10 हवाई हमले किए। इस हमले में 3 नागरिक घायल हो गए और 18 घर तबाह हो गए। ये हमले हिजबुल्ला ने इसराइल के द्वारा गाजा में एक सप्ताह में 5 स्कूलों में हमले कर सैकड़ों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारने के बाद किए हैं। बता दें कि विस्थापित फिलिस्तीनी इन स्कूलों में रहते थे, जिसे इसराइल ने हमास का कंट्रोल बताकर इन स्कूलों में कई हवाई हमले किए थे। इससे पहले कि इजरायली ड्रोन हमले में शुक्रवार को सिडोन शहर के पूर्व में हमास के अफसर समर अल हज की मौत हो गई थी। इस बीच लेबनानी सैन्य सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर सिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि इजरायली ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती इलाके में दिन में 6 गांवों और कस्बों पर 10 हवाई हमले किए, जिसमें 3 नागरिक घायल हो चुके हैं और 18 घर राख हो गए हैं। उधर गाजा में आईडीएफ ने पिछले एक सप्ताह में 5 स्कूलों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों विस्थापितों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। वहीं 10 अगस्त के एक भीषण हवाई हमले में 93 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसराइल द्वारा इस तरह के लगातार किए जा रहे हमले को नागरिक सुरक्षा एजेंसी भयानक नरसंहार बता चुकी है। Yep.